एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग हरियाणा के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग कुरुक्षेत्र की ओर से दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 प्रतियोगिता लाडवा के दून पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग हरियाणा के प्रधान राकेश खुराना ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चैंपियनशिप में हरियाणा के सभी जिलों के लगभग 250 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बाहर से आए सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और सभी विजेता बच्चों को एसोसिएशन की ओर से पदक देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के दूसरे दिन का शुभारंभ कांग्रेस नेता संदीप गर्ग द्वारा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर किया गया। वहीं हरियाणा भर से आए किकबॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने अपना जोहर दिखाया। कार्यक्रम के दौरान दून पब्लिक स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि संदीप गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि आज का युग कंप्यूटर और मोबाइल का युग है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को पूरे दिन में एक या दो बार फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने का समय निर्धारित करना चाहिए ताकि उनकी शिक्षा पर कोई फर्क ना पड़े। वहीं एसोसिएशन की ओर से बाहर से आए सभी कोचों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ एसोसिएशन की ओर से मुख्य अतिथि संदीप गर्ग और एसोसिएशन के प्रधान राकेश खुराना स्कूल कमेटी को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। और जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया आपने बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक बार उनके लिए जोरदार ताली। और मैं बधाई देता हूँ एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग हरियाणा को जिन्होंने इस तरीके के इवेंट करती रहती है और जो प्रधान यहाँ पर बैठे हैं राकेश खुराना जी उनको बहुत बहुत बधाई बधाई देता हूँ। मैं दून पब्लिक स्कूल को जिस प्रांगण में आज ये कार्य हो रहा है और इस तरीके का टूर्नामेंट हो रहा है बधाई देता हूँ मैं सारे स्टाफ को दून पब्लिक स्कूल के जिन्होंने इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन किया और एक खेलों को बढ़ावा दिया। और सबसे ज़्यादा बधाई देता हूँ जो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेंट आए थे और जिस तरीके से उन्होंने देश की भावना के जो कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत किए उनके लिए भी एक जोरदार ताली मैं चाहूँगा आपकी तरफ से। मेरे आदर में सम्मान के योग्य हरियाणा स्टेट किंग एसोसिएशन के प्रधान राकेश खुराना जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम एक रोटेरी क्लब से जुड़े हुए हैं तो हम अपने कोई भी विचार हैं आपस में साझा करते रहते हैं और मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने वैसे तो मुझे कल बुलाया था 25 तारीख को पर मुझे किसी कारण से कहीं बाहर जाना था और मैं इनका धन्यवाद भी हूँ कि इन्होंने एडजस्टमेंट करके मुझे 25 की बजाय 26 पे आने का मौका दिया और आप सबसे मिलने का मौका दिया। और ये मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ जब भी मैं दून स्कूल में आता हूँ मुझे यहाँ आकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार के बीच में आया अपने लोगों के बीच में आया और अपने बीच में आया। श्री सतविंदर जी अमित गुप्ता जी स्कूल के प्रबंधक श्री प्रमोद शर्मा जी जो एक बहुत ही घनी व्यक्तित्व के आदमी हैं सहनशील है सहजता है मैंने बहुत है मैं आप बच्चों के साथ करना चाहूँगा एक तो खेल कूद की और एक स्वास्थ्य की। आज के दिन जो खेल कूद का जो महत्व है जो पीछे रहा वो कम होता जा रहा है। आप लोग बच्चे अच्छी वाली बात के प्रकार से जानते हो क्योंकि कंप्यूटर ने और मोबाइल ने वो जगह ले ली है। मैं कभी उसको मना नहीं करता कि कंप्यूटर और मोबाइल को मत ऑपरेट करो क्योंकि समय की डिमांड के हिसाब से हम लोग चलते हैं और जो समय के साथ नहीं चलते वो पीछे रह जाता है। जो हो रहे हैं बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं और मेरा इच्छा है कि यहाँ पर एक अत्याधुनिक स्टेडियम होना चाहिए जिसमें इस तरीके का हॉकी का आपका किक का बॉक्सिंग का हर बास्केटबॉल का बैडमिंटन का हर तरीके का एक यहाँ पर स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है। और आने वाले समय में मेरी इच्छा है कि वह कार्य को मैं करके छोड़ूंगा इस लड़वा।